आदमी के यहाँ पे डेथ हो गई है, हमें तो पता ही नहीं है। और सामने से तो सर गाड़ी आ रही थी ना, वो स्लो थी, उसकी कोई गलती नहीं। अनिरुद्ध का हुआ रोड एक्सीडेंट, खतरे में पड़ी अनिरुद्ध की जान। एक आदमी के यहाँ पे डेथ हो गई है, हमें तो पता ही नहीं है। और सामने से जो सर गाड़ी आ रही थी ना, वो स्लो थी, उसकी कोई गलती नहीं। जी हाँ, सीरियल झनक में आया है शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहाँ अनिरुद्ध के साथ हुआ एक बड़ा हादसा। अबे चलो निकल, दरअसल सीरियल झनक में आया है ट्विस्ट, जब झनक अनिरुद्ध के साथ वापस जाने से कर देती है इनकार, और उल्टा अनिरुद्ध को खरी खोटी सुनाती है और करती है अनिरुद्ध की इंसल्ट। वहीं झनक की ये बात अनिरुद्ध के समझ नहीं आता और वो गुस्से में आ जाता है, और इसी टेंशन में वो रोड पर फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है। अरे आप लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? उसने फोन लगाया, सब लोग देख रहे हैं उसको, फोन पे बात चल रही है वो। हेलो, अभी आप बोल रहे हो बाइक का एक्सीडेंट हुआ, आप जल्दी से आ जाइए, अच्छा हुआ आदमी मर गया। भाई फोन वाले भाई थोड़ा आ गया, ओके एक ग्रीन शर्ट वाला भाई लेफ्ट जाओ। एग्जिट लोकेशन क्या तुम्हारी? ठीक है, मारे हैं। आपने फोन रखा और देख रहे थे। वहीं अनिरुद्ध को सड़क पर घायल देखकर उसकी मदद के लिए कई लोग आते हैं, लेकिन अनिरुद्ध को काफी गहरी चोट लगने की वजह से अनिरुद्ध हो जाता है बेहोश। आसपास के लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, मीडिया भी आता है, और मीडिया के साथ साथ पुलिस भी वहां पहुंच जाता है और अनिरुद्ध को हॉस्पिटल ले जाते हैं। सर ये कौन है, कहाँ से है सर, बताइए ना थोड़ा कुछ कुछ डिटेल बताइए ना सर। क्या पीछे किया पुलिस को, अपना काम करने दीजिए। सर सुनिए प्लीज सर, ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इनके घर वालों को पता नहीं होगा कि इनके साथ एक्सीडेंट हो गया। सर न्यूज के माध्यम से इनको पता चल जाएगा, सर हम मदद करने की कोशिश करते Well, अब देखना दिलचस्प होगा कि सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद क्या झनक की होगी अनिरुद्ध के घर में वापसी।